मोदी जी, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है और तुम ये मत समझ लेना कि ये आज का आंदोलन है, ये आज का नहीं है, ये 365 दिन का आंदोलन है और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से घबराहट हो रही है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तुम हटा सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को आप कभी नहीं मार सकते जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे, बाबा साहब इस धरती पर रहेंगे। आज न कोई पार्टी देखनी है, न कोई संस्था देखनी है, ना कोई दल देखना है, केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखना है। ये मैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से देख रहा हूँ कि बहुजन समाज के पीड़ा स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। आरएसएस के कहने से, बीजेपी के कहने से ये यही नहीं है, मऊ की धरती पर भी ये इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं, दीक्षा भूमि पर भी पूरा का पूरा नेस्त नाबूद इन्होंने कर दिया। और जो 1962 में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी, जो समाज के लोगों ने बड़े संघर्ष के साथ लगाई थी, उसको भी इन लोगों ने हटा दिया। मोदी जी, ये सब तुम्हारे इशारे पर हो रहा है और तुम ये मत समझ लेना कि ये आज का आंदोलन है, ये आज का नहीं है, ये 365 दिन का आंदोलन है और तब तक आंदोलन चलता रहेगा जब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब के वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 को 14 बच्चों की इन्होंने बलि दी। और आपको कहना चाहता हूं मैं, जुल्मो सितम की बिजलियां किस पर पड़ी, दलित आंखें किसके ऊपर थी गड़ी, किसकी किरणें देख सुस्थान लजीला हो गया, किसके तरकों से भ्रमर पीला हो गया, तुम अछूतों का हकीकी असलीडर कौन था, निर्वन्य अथों का लीडर कौन था, सच बताओ कौन निद्रा से जगा कर चल दिया, जिसकी मेहनत ने तुम्हें फल दिया, कोट जन जन को देके संता है पुनर्जीवित किया, मनु कारागार को किसने गिराया, बोलियो कौन था, जिसने तुम्हारी गुलामी की दास्ता की बेड़ियों को काटा, जिन्होंने तुमको शिक्षा का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको कपड़े पहनने का अधिकार दिया, जिन्होंने तुमको पानी पीने का अधिकार दिया, आज उस मूर्ति को हटा दिया गया। ये लोग लगातार अंबेडकरी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, संता सैनिक दल उसके लिए लगातार प्रयास कर रहा है, भारतीय बौद्ध महासभा कर रही है, सारे ही संगठन कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सत्ता में आते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, जो संसद सदस्य बनते हैं, विधायक बनते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने विधायिका में रिजर्वेशन दिया था, लेकिन ये 135 बेईमान लोग ये केवल वोट लेकर जब सीट से आते हैं, लेकिन ये समाज की बात नहीं करते, ये लोग बड़े धोखेबाज हैं, इनसे सावधान रहना। मैंने कल एक पार्टी वाले से कहा जो बहुजन समाज के बात करती है, बहुजन समाज के महापुरुषों की बात करती है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। अरे तुम नहीं जाओगे, वोट इनका लोगे, नोट इनका लोगे, सहयोग इनका लोगे, लेकिन तुम मंच पर बाबा साहब को बचाने के लिए नहीं आओगे, क्योंकि तुम बीजेपी से डरते हो, आरएसएस से डरते हो, तुम्हारा आंतरिक समझौता उनसे हो गया है, लेकिन हम कहते हैं कि आने वाले समय में जो इस मूर्ति के लिए आएगा और जो आरक्षण बचाने को आएगा उसके हम साथ हैं, जो इसके साथ नहीं आएगा हम उसके साथ नहीं आएंगे। इस कार्यक्रम को हमारे उमेश सिंह जी, हमारे एआर जोशी जी, केपी सिंह जी, अब आपको बताएं, हमारे ये नौजवान इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे अशोक कुमार जी, बालक राम जी और हमारे वकील साहब जो हाई सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, भानु प्रताप जी, आप सब लोग एक साथ होकर आओ और बाबा साहब की मूर्ति लगाने का पूरा प्रयास करो। मैं अपनी बात कहना चाहूंगा, इस आंदोलन में कोई कायर और बुद्धिला आदमी नहीं आए, वो आए जो बाबा साहब के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। साथ हमारे वह आवे जिसको किसी का
गम होवे, नहीं खुशियों मिलने की, ना खाने का मातम होवे, चाहे सूरज अगाव उगलता हो, सर्द भरी शबनम होवे, दर्द भरी शबनम होवे, नहीं खौफ सीने में हो, ना जोश में जिसके गम होवे, बांका शेर भवर होवे, हिम्मत में आजम होवे, लगा हो ताने बाने में मखलूक जब होवे, मथावाद का चश्मा हो, सत्यन्याय का जामे जम होवे, साथ हमारे वह आवे जिसको न किसी का गम होवे। ये बीजेपी को, आरएसएस के लोगों को बाबा साहब की मूर्ति से घबराहट हो रही है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को तुम हटा सकते हो, लेकिन बाबा साहब के विचार को आप कभी नहीं मार सकते। जब तक ये धरती और आसमान रहेंगे, बाबा साहब इस धरती पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, अपने अथक परिश्रम से लिख भारत का संविधान दिया, स्त्री और अछूतों को समता शक्ति सम्मान दिया, जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, अमर रहेगा अम्बेडकर। जय भीम, जय भारत, नमो भूतान।